हम डिस्कस करने जा रहे हैं टीएस कर्व। तो हेडिंग डाल लीजिए कंसेप्ट ऑफ टीएस कर्व। जैसे हमने आज तक पीवी कर्व पढ़ा है, ये भी काफी फेमस कर्व होते हैं, टीएस कर्व। यानी बिल्कुल बहुत आसान है। आप कर्व जब करते हो तो पहले आप ये बताइए कि आप जानते हो डीएस इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू बाय टी। बोलो यस और नो। तो कहीं ना कहीं आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी डेल्टा एस। सही है। तो ये हमारे पास हो गया डी क्यू, यानी कि किसी भी टी एस वर्क के अंदर एरिया अंडर द कर्व हमारे लिए हीट सप्लाई होता है। तो नेट रिजल्ट क्या बनेगा आपके लिए, एरिया अंडर कर्व शो द हीट सप्लाई इन प्रोसेस। तो ये हमारे पास बहुत इजी है। आज आपके पास कोई पीवी है तो आप बड़े प्यार से ये बनाते हो। तो यहां पर जब आपके पास पीवी कर की जगह टीएस कर है तो भी आपके पास ऐसा होगा, ये ए ये बी, ए और बी। बोलो यस क्लियर है। अंतर क्या है, यहां वर्क डन होता है जिसकी वैल्यू होती है माइनस पी डी वी, यहां आपके पास हीट होता है जिसकी वैल्यू होती है प्लस टी डी एस। क्लियर है कॉन्सेप्ट्स, कैपिटल ही लिखते हैं अपन एस को, टी डी एस। तो जो आपको ये एरिया अंडर द कर्व दिख रहा है तो यहां आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस एरिया, क्योंकि डी वी यहां पर पॉजिटिव है तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव है ही है। तो जो भी एरिया आएगा उसके आगे क्या रहेगा, माइनस। वॉल्यूम बढ़ रहा है, वर्डन नेगेटिव। लेकिन यहां हमारे पास डेल्टा एस क्या है, डेल्टा एस पॉजिटिव, टी तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, डेल्टा एस पॉजिटिव। तो ये हमारे पास वर्क हीट पॉजिटिव आएगी। कुछ समझ में आया? तो ये बिल्कुल ही वैसे बताएगा टीएस कर्व जैसे वर्क बताता है पीवी, वैसे टीएस हीट बताएगा, लेकिन अंतर रहेगा साइन का। और यहां आपके पास साइन को थोड़ा सा अलग ध्यान से देखेंगे, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। यस और नो? तो आप बहुत आसानी से यहां पर अगर मैं टी वन टी टू एस वन एस टू दे देता हूं तो आप आसानी से बता सकते हैं, बता सकते हैं ना। तो दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें, अगला पॉइंट टीएस साइकिल। पहले हमने टीएस कर पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं टीएस साइकिल। टीएस साइकिल, ये हमारे पास टीएस साइकिल मान लीजिए, ए पॉइंट से बी गया, बी से सी आया, सी से डी आया और डी से वापस ए आ गया, ये है टीएस साइकिल। तो हमारे लिए ये हमारे पास हो गया पहली चीज कि हमारे लिए यहां पर साइकिल के लिए, फॉर साइक्लिक प्रोसेस, फॉर साइक्लिक प्रोसेस अगर आप बात करेंगे तो जो क्यू आगा क्यू होगा वो एरिया होगा, एरिया कवर्ड या अंडर साइकिल, अंडर साइकिल और प्लस माइनस। क्लॉकवाइज के लिए यहां पर क्लॉकवाइज साइकिल क्या लग रहा है, क्लॉकवाइज साइकिल के लिए पॉजिटिव या नेगेटिव, क्लॉकवाइज साइकिल के लिए हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये वहां क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव था, यहां पर क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव। किसके लिए, वर्डन के केस में, और क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज साइकिल के लिए आपके लिए क्या लग जाएगा, नेगेटिव।
ये दो पॉइंट हमारे लिए साफ था है। ये तो आ गया क्यू, सही है। डेल्टा ई साइक्लिक प्रोसेस के लिए जीरो होता है, तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा, माइनस क्यू यानी माइनस एरिया अंडर द साइकिल, बस वैसे ही। तो वापस वही हो गया, हमें क्यू निकल गया तो हमें वापस माइनस लगाना पड़ेगा, और क्लॉकवाइज साइकिल के लिए वापस माइनस आ जाएगा। बोलो यस और नो। थोड़ा डब्ल्यू, क्या डब्ल्यू हम टी एस साइकिल के एरिया अंडर द कर्व से भी निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं, ध्यान रखना। लेकिन एक और खास बात जो हम निकाल सकते हैं वो है कि टी को यहाँ पर कैलविन में रखेंगे और एंट्रोपी को जूल या किलो जूल पर कैलविन में रखेंगे, तो कैलविन से कैलविन कट जाएगा, आंसर आपके क्या आएगा, जूल या कैलोरी। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? तो ये हमारे पास हो रहा है एक और चीज साइक्लिक प्रोसेस के लिए। चलिए कुछ न्यूमेरिकल करें, उससे पहले हम कुछ डेरिवेशंस और देखते हैं। कार्नोट साइकिल इन टी एस कर्व, तो हेडिंग डालेगा कार्नोट साइकिल, कार्नोट साइकिल इन टी एस कर्व, इन टी एस। कार्नोट साइकिल टी एस कर्व में कैसे दिखेगी, आप खुद ही देखिए। मान लीजिए ये आपके पास टी एस है, पहला प्रोसेस क्या होता है उसके अंदर, आइसो थर्मल, आइसो थर्मल है ए से बी, बिल्कुल ये हो जाएगा ए से बी। फिर दूसरा कौन सा होता है, एडियाबेटिक, एडियाबेटिक में एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है, डेल्टा एस जीरो होता है, रिवर्सिबल एंड के अंदर डेल्टा एस जीरो होता है, फिर आइसोथर्मल और फिर एडियाबेटिक। तो कुल मिला के आपके पास एक तरह से क्या बनेगा, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर जैसी कोई लुक आएगी आपके पास। तो ये ए से बी गए आप, बी से सी, सी से डी और वापस सी है। तो आप अच्छे से जानते हो ये आइसोथर्मल है, ये आइसोथर्मल है, ये आइसो, ये एडियाबेटिक है, ये एडियाबेटिक है। तो आप ही मेरे को बताइए यहाँ Q1 है, Q1 है या नहीं है, और यहाँ पर क्या होगा Q2, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी आपके पास, Q1 माइनस Q2 मॉड में अपॉन Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। Q1 की वैल्यू बताइए इस एरिया अंडर द कर्व से, मान लीजिए कुछ तो मानना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पर टेम्परेचर क्या है T1, यहाँ पर टेम्परेचर T2, यहाँ पर S1, यहाँ पर S2, तो Q1 की वैल्यू अब तो बता सकते हैं, Q1 की वैल्यू S2 माइनस S1 इंटू T1, तो मेरे लिए T1 S2 माइनस S1 Q2 की वैल्यू क्या होगी, T2 S2 माइनस S1 क्योंकि मॉड में लिखना है आपको, अपॉन T1, Q1 की वैल्यू वापस रखनी है, S2 माइनस S1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ऐसी कौन सी चीजें जो क्रॉस हो रही है, T1 माइनस T2 अपॉन T1 मल्टीप्लाई बाय 100। ये तो एक ही लाइन में डेरिवेशन हो गया, पीवी कर्व में तो हमें पसीना आ गया था एक बार डेराइव करने में, यहाँ तो बहुत आसानी से हो गया। हाँ या ना, इजी वे में, तो ये इसका बेनिफिट भी है। अच्छा ये दो प्रोसेस क्या है आपके लिए, रिवर्सिबल एडियाबेटिक, और ये दोनों प्रोसेस क्या है आपके, रिवर्सिबल आइसो थर्मल। तो क्या ये चीज समझ में आ गई आपको अच्छे से, तो कोई भी कंसेप्ट बहुत ज्यादा टफ नहीं है,
बस जरूरत है उसको पढ़ने की। तो आपने ये कर लिया, इस पे न्यूमेरिकल कैसे बनाएंगे? न्यूमेरिकल तो बहुत आसानी से बन जाएंगे, फिलहाल तो ये चीज क्लियर है। एग्जाम्पल, अगर आपको टी एस कर्व दे दिया भी जाए, ध्यान से देखिएगा, टी एस एग्जाम्पल बनाने की कोशिश की जा रही है आपके साथ, यहां टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन, एंट्रोपी की वैल्यू दे रखी है यहां पर 100 कैलोरी पर केल्विन, और यहां 200 कैलोरी पर केल्विन। ये प्रोसेस है, देन फाइंड, हर चीज दे रखी है ए से बी, देन फाइंड वैल्यू ऑफ क्यू डब्ल्यू डेल्टा ई डेल्टा एच फॉर ए बी प्रोसेस, ए बी प्रोसेस। तो इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा? बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, प्रोसेस कौन सा है? प्रोसेस आइसोथर्मल। अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा? जीरो, और डेल्टा टी जीरो होता है तो डेल्टा ई इक्वल टू डेल्टा एच इक्वल टू जीरो। तो दो चीजें तो अपन ने जीरो निकाल ही ली, और क्यू की वैल्यू डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो डेल्टा एस और क्यू का साइन सेम होता है, तो मेरे लिए क्यू की वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव टी डेल्टा एस। 300 मल्टीप्लाई पर डेल्टा एस कितना है? 200 माइनस 100, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 × 10⁴ कैलोरी या 30 किलो कैलोरी, और W कितना आएगा? माइनस Q, जो कि अपने आप में कितना हो जाएगा? माइनस 30 किलो कैलोरी। कोई डाउट नहीं है, शॉर्ट लॉक कर दें। कोई साइकिल बना दी जाएगी तो डेल्टा E तो वैसे ही जीरो है, उसके लिए भी Q और W आप सब कुछ निकाल सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लिखें इसको,